नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, हमारी गाय का फैट जो है मात्र 2 फैट आता है दूध डेयरी में, तो इसको दोस्तों हम 5 फैट कैसे बना सकते हैं। टोटल 5 फैट आएगा, तो उसके लिए हमें क्या देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ दोस्तों इसी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा आपको मालूम पड़ेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसा ही वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, हमारे जो गाय होता है, अधिकतर दोस्तों गाय का दूध हल्का देखा जाता है, हल्का होता है, लेकिन कुछ गाय का दूध बहुत ही हल्का होता है कि डेयरी में ले जाते हैं 2 फैट आता है, तो डेयरी वाले लेते हैं, नहीं भी लेते हैं उसमें उन्हें बहुत दिक्कत होता है। तो उन पशुपालकों के लिए है जिनका फैट गाय का कम आ रहा है, जिनके भैंस का फैट कम आ रहा है और स्नेफ कम आ रहा है, तो दोस्तों उनको क्या करना है, सबसे पहले 50 ग्राम मेथी दाना लेना है। मेथी दाना दोस्तों भरपूर मात्रा में फैट की मात्रा होती है। और 85 ग्राम सरसों खड़ी लेना है। खड़ी सरसों आप दोस्तों लेकर के दोनों को बारीक कर लें। बारीक करने के बाद उसमें 2 चम्मच नमक डालें। नमक में क्या है, भरपूर मात्रा में स्नेफ होता है, स्नेफ की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जो सरसों है वो फैट को बढ़ाती है, और जो मेथी दाना है दोनों जो मिक्स होंगे बहुत तगड़ा फैट बनाते हैं। तो इनको दोस्तों तीनों को मिक्स करके 50 ग्राम गुड़ के साथ मिला देना है। मिलाने के बाद आपकी जो गाय है या भैंस है उसको खिला दीजिए, बहुत बढ़िया दोस्तों उसका फैट और स्नेफ तेजी से बढ़ेगा। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक खास ध्यान रखना है और ये जरूरी है, आप कोई फार्मूला दे रहे हैं अगर उनको आप बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फैट स्नेफ डाउन रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो गाय भैंस है आप जितना हरा चारा ज्यादा खिलाएंगे वो दूध ज्यादा तो देंगी लेकिन फैट डाउन हो जाएगा। तो हरा चारा ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। आप जो चारा अपने पशु खिला रहे हैं उनको क्या है कि पानी के साथ चारा ना खिलाएं, मकोला खिलाएं, तब उसका फैट ज्यादा आएगा। और जब आप दूध डेयरी में ले जाते हैं दूध देने के लिए, आप देखते होंगे तो जो भैंस का दूध लगता है उसके पीछे अपना दूध लगाएं, गाय के पीछे नहीं लगाना है। गाय के पीछे लगाएंगे तो गाय को वैसे ही कम रहता है, आपका कम होगा। और एक बात ध्यान रखना है, जब दूध डेयरी में जाते हैं तो वहां जो पानी कभी कभी लगा देते हैं कुछ लोग डेयरी वाले, पानी अगर लगा देंगे तो भी फैट घट जाएगा। अगर आप देख रहे हैं पानी लगा दिया है तो नहीं लगाना है, और उसके बाद जब किसी भैंस का दूध लगता है तो अपने गाय का दूध लगाएं। फिर दोस्तों देखिए आपके गाय का किस तरह से फैट तेजी से बढ़ेगा, और 5 या 6 फैट भी हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है कि जैसे आपकी गाय 3 से 4 महीने, 5 महीने 6 महीने होगी, उसके हिसाब से फैट बढ़ता जाएगा, और जितना कम दूध देगी उतना ज्यादा फैट होगा, जितना ज्यादा दूध देगी उतना कम फैट होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आलोचन में आगे होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच करें।